भाई स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी चैनल पर। चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग, वाईफाई स्टडीज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, है ना। सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ नया करते हैं और नई सीरीज स्टार्ट करते हैं यार, ठीक है। 3 दिन के लिए इसी टाइमिंग पे 1 बजे, ठीक है, 1 बजे की टाइमिंग पे ही 3 दिन के लिए, आज फ्राइडे सैटरडे संडे तक अपना 1 बजे क्लास रखी है मैंने। नई सीरीज की क्लास रहेगी और क्वेश्चन बहुत सारे होने वाले हैं। बाकी आप अनअकैडमी कॉम्पैक्ट ज्वाइन करिए लाइव अमन रेफर कोड यूज करके और पूरा ट्राई मारिएगा संडे को कि आप अच्छा स्कोर मार सके। और अपना वाईफाई स्टडी पे जो डेली बेसिस पे क्लास होता है 5 बजे का होता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो 5 बजे का क्लास जरूर देखना, शेयर कर देना एक बारी, ठीक है। और जो टेस्ट सीरीज है वो प्रैक्टिस कर लो और जो कोर्सेज है उनका आपको सब्सक्रिप्शन ऑफर मिल रहा है इस समय। कितना? 2 साल पे 4 मंथ का, 1 साल पे 2 मंथ का, मतलब ये आपको ना बहुत बढ़िया ऑफर मिल रहा है, ठीक है। तो आप इस ऑफर का ध्यान रखिएगा बेटा, आप ये ऑफर जो है ना बढ़िया तरीके से ज्वाइन करें, ठीक है। आप लाइव अमन रेफर कोड यूज करिएगा, ठीक है, और गर्शन क्लिक करके जुड़िएगा, ठीक है। लाइव अमन रेफर कोड पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, इस क्वेश्चन आंसर होते हैं शेयर करिएगा बेटा सेशन को सारे के साथ, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, इस क्वेश्चन आंसर क्या है? हाँ जी, क्वेश्चन मैं थोड़े से मुश्किल पूछूंगा, नए क्वेश्चन होंगे, थोड़े से मुश्किल होंगे, बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। कह रहे कौन सा इसमें से स्टेटमेंट सही है? थेरोफ्रेस्ट फादर ऑफ बोटनी बोला गया है, अरस्तु फादर ऑफ जूलॉजी बोला गया है, और एग्रोस्टोटल इज द स्टडी ऑफ ग्रास बोला गया। कौन सी स्टेटमेंट सही लग रही है आपको? नमस्कार भाई, नमस्कार, ठीक है। स्टेटमेंट कौन सी सही लग रही है बेटा, याद रखिएगा आंसर क्या है, सारी स्टेटमेंट सही है, ए टू जेड स्टेटमेंट सही है, ठीक है। एक और क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द टेली मेडिसिन सर्विस ऑफर्ड बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री? बताइए, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ना एक टेली मेडिसिन सर्विस स्टार्ट करी है। अब पूछा गया इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है बेटा, शेयर करना मैक्सिमम जल्दी से, बताइएगा इसका नाम क्या है। ये जो सर्विस है ना, इसका नाम क्या है बेटा, याद रखिएगा, ई संजीवनी इसका आंसर, ई संजीवनी इसका आंसर है, ठीक है। ई संजीवनी इसका आंसर, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया टेली मेडिसिन सर्विस, तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है। हर एक क्वेश्चन नया मिलेगा आपको इस क्लास में आज, ठीक है, और कल भी ये सीरीज मैं इसी टाइम पे चला दूंगा, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इंडिया हैज एंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट विद विच कंट्री, ठीक है, पेटेंट प्रोक्यूशंस के लिए इंडिया जो है किसके साथ एग्रीमेंट साइन किया, जल्दी से बताइएगा, भारत ने किसके साथ एग्रीमेंट साइन किया है पेटेंट प्रोक्यूशंस के लिए, कि भाई कोई जैसे कोई टेक्नोलॉजी है डिस्कवर कर दे इंडिया ने तो उसका इंडिया पेटेंट करवाएगा, ठीक है। तो इसके लिए इंडिया ने किसके साथ साइन किया है, ठीक है, इसके लिए इंडिया ने किसके साथ साइन अप किया है, जापान के साथ, ठीक है बेटा, याद रखिएगा जापान के साथ साइन अप किया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ओनम कहां का स्टेट फेस्टिवल है? बेसिक क्वेश्चन कि ओनम कहां का स्टेट फेस्टिवल है, जल्दी से बताइएगा ओनम कहां का स्टेट फेस्टिवल, अच्छा क्वेश्चन है यार, है ना, ओनम कहां का स्टेट फेस्टिवल है, जल्दी से बताइए ओनम कहां का स्टेट फेस्टिवल। देखो मैंने आपको एक वर्ड बोला है ओके, ठीक है, मैं बहुत बार ही बोलता हूं ये वर्ड ओके, क्यों ना हम इस वर्ड को यूज कर लें, ओ और के, ठीक है, केरला, याद रखिएगा, ओ के वर्ड अगर याद रखोगे ना तो ये याद हो जाएगा, ठीक है, ओके वर्ड याद रखोगे तो ये याद हो जाएगा, इसमें फिर कहीं कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है, किसी भी तरीके की कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चन उठाने हैं, 3 दिन में 1000 क्वेश्चन की सीरीज कवर हो जाएगी। स्टडी ऑफ फ्लावर, ठीक है भाई, इसमें से कौन सा स्टडी ऑफ फ्लावर को कहते हैं, ठीक है, फूल और फूल के पौधों के अध्ययन के रूप को क्या कहा जाता है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, एक बेसिक क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है, एक बेसिक क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है, एंथोलॉजीज का आंसर है, ठीक है, एंथोलॉजीज का आंसर है, ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल। अब बीड लाइक स्ट्रक्चर फाउंडेड इन द क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज व्हाट, जल्दी से बताइएगा, अब बीड लाइक स्ट्रक्चर जो क्रोमोसोम में होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, जल्दी से बताइएगा आंसर क्या, ठीक, क्रोमोसोम में जो बीड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या कहते हैं, है क्या वो बीड लाइक स्ट्रक्चर बेटा, याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, साइंस के बेसिक क्वेश्चन सारे करा दूंगा, जीन कहते हैं उसे, ठीक है, जीन कहते हैं, और वो बीड लाइक स्ट्रक्चर ही कैरेक्टर को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, कैरेक्टर को दर्शाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैरेक्टर को दर्शाता है, महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है, ठीक है, कैरेक्टर को दर्शाता है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, सारे क्वेश्चन देखो, ठीक है, अगर आपने सुना हो तो बताओ नोरूस क्या है, ठीक है, मैं करंट अफेयर भी बहुत कवरेज करा दूंगा इसमें, नोरूस क्या है, आपने सुना तो बताइए, व्हाट इज नोरूस, नोरूस क्या है, बताइए सोल्व करिएगा, नोरूस क्या है,
क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, पूछा जा सकता है कि भाई नौरूस है क्या, ठीक है, इंपोर्टेंट है, अगर करंट अफेयर पढ़ता पढ़ा है तो आता होगा, ठीक है, दिमाग पर रखिए। ईरानियन और पर्शियन न्यू ईयर फेस्टिवल को कहते हैं, और ये इस साल अभी जो बनाया गया ना लेटेस्ट, उसके ऊपर करंट अफेयर बन गया कि ईरान और पर्शियन में नए ईयर के फेस्टिवल, जो न्यू ईयर का फेस्टिवल हो तो उसे हम कहते हैं नौरूस, ठीक है। बेटा पीडीएफ डल जाएगी आपकी हिस्ट्री की, आज 5 बजे आ जाना, उसी में क्वेश्चन डाल दूंगा सारे, ठीक है, 5 बजे वाली क्लास की पीडीएफ में, जो शाम को 5 बजे होती है। एज पर द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लो इनकम कंट्रीज हैड एन ओपन डेट पॉलिसी, ये क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे, बाद में कराऊंगा इस क्वेश्चन को, बाद में करेंगे। हाँ जी, एक दो क्वेश्चन स्किप करा रहा हूं, ठीक है। लीवर डिस्ट्रॉयड, भाई क्या डिस्ट्रॉय होता है लीवर में, बताइए लीवर में क्या चीज डिस्ट्रॉय होती है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, लीवर में क्या चीज डिस्ट्रॉय होती है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, याद रखिए एरिथ्रोसाइट, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एरिथ्रोसाइट इसका आंसर है, महत्वपूर्ण सवाल। एक और क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सारे क्वेश्चन देख लोगे ना, देखो आज के समय में ना जैसे एग्जाम आ रहा है ना, तो हमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा पढ़ने पड़ते हैं, तब जाके अपना क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में भी सोल्व होता है, प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थ्योरी तो सीख लिया आपने, प्रैक्टिस करो, ठीक है, बहुत पहले से थ्योरी पढ़ रहे होंगे, क्वेश्चन तो देखो, विच कंट्री इज सेट टू होस्ट द 2-डे क्लाइमेट समिट ऑफ वर्ल्ड लीडर्स, ये अर्थ डे पे इसी साल का हुआ है, कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है, ठीक है, बताइए अर्थ डे यानी कि कौन सी डेट जो कल हुई थी, ठीक है, और कल का करंट अफेयर आज पूछ दे रहे हैं, बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, आंसर है यूएसए ने होस्ट किया था, लेकिन इसको चेंज करना पड़ा था कोरोना वायरस के, उसकी वजह से होस्ट यूएसए कर रहा था इसे, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इन विच स्टेट द फर्स्ट राइस एटीएम हैज बीन सेट अप, आपने मिल्क एटीएम सुन लिया होगा, है ना, अब बचा राइस एटीएम, ठीक है भाई, बताइए राइस एटीएम कौन सी स्टेट में सेटअप किया गया, भारत का पहला राइस एटीएम, बताइए भारत का सबसे पहला राइस एटीएम है कौन सी स्टेट में सेटअप किया गया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताएं, ठीक है, भारत का सबसे पहला राइस एटीएम कहां पे सेटअप किया गया, आंसर क्या है, कर्नाटका में, कहां पे, कर्नाटका में सेटअप किया गया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, चेयरमैन स्टॉप टीवी पार्टिसिपेशन, देखो पार्टनरशिप बोर्ड जो बनाएगा ना टीवी को लेके, क्योंकि भारत वर्ष 2025 तक टीवी को खत्म करने का टारगेट रखा हुआ है, अब इसको स्टॉप करने के लिए टीवी पार्टनरशिप बोर्ड बनाया गया, और इस पार्टनरशिप बोर्ड के चेयरमैन कौन है, बताइए, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सारे के सारे नाम जो आपके ऑप्शन में दे रखे हैं फेमस नाम है, बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, ठीक है, आंसर क्या है बेटा इस क्वेश्चन का, डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन वर्ल्ड ट्रेड जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हेड बनाए गए, ठीक है, हमारे हेल्थ मिनिस्टर, और ऊपर से ये टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के चेयरमैन, मतलब इस व्यक्ति के बहुत ज्यादा अथॉरिटीज हैं, तो इनके बारे में हमें पूरा पता होना चाहिए, ठीक है, इनके बारे में हमें पूरा पता होना चाहिए, ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल बनेगा इनके ऊपर, ठीक है, अभी सीएचएसएल में आया भी था, ये क्वेश्चन नहीं करना, बताइए इसको, विच अमंग द फॉलोइंग, विच अमंग द गिवन इज नॉट अ एंडोक्राइन ग्लैंड, कौन सा इसमें से एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कौन सा इसमें से एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, अच्छा क्वेश्चन, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कौन सा इसमें से एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, आंसर क्या है बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा नहीं है, स्प्लीन, ऑब्वियसली यार, स्प्लीन का काम क्या है, स्प्लीन का तो इतना सही काम है ना, जो ब्लड खत्म होता है आरबीसी, ठीक है, उसी का ही होता ना काम, कि भाई ब्लड आरबीसी जो खत्म होगा वो डिस्ट्रॉय होके इसी मिलेगा, ठीक है, बैकयार्ड ऑफ क्या बोलते हैं आरबीसी, सिंपल सा, तो ये किसी भी तरीके के एंडोक्राइन ग्लैंड थोड़ी है, बाकी ये सब थायरॉइड, थायरोक्सिन, एड्रेनलिन, एड्रेनलिन पिट्यूटरी ग्लैंड, केशिका ग्रंथि, ये सब एड्रेनलिन है ना, तो क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये इसका आंसर है बेटा, जाइलम क्या करता है, जाइलम से एक वर्ड समझ में आता है, जल, जाइलम जल, अब जल हमें अगर समझ में आता है तो इसका आंसर भी हमें समझ में आता है कि भाई जाइलम से जल होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर लिखा हुआ है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर लिखा हुआ है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर लिखा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, बताइए, ठीक है, वोवेट ऑफिस जो है ये साइंटिफिक नेम है किसका, बताइएगा, ठीक है, वोवेट ऑफिस जो है ये किसका साइंटिफिक नेम है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, जल्दी से बताइए,
बताइए वैट ऑफिट सो है किसका साइंटिफिक नेम, अगर आपने सुना हो तो बताओ भाई। साइंटिफिक नेम के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है, शिप के मतलब हर एक साइंटिफिक नेम पता कर लो अपना, क्योंकि यार क्वेश्चन आएगा साइंटिफिक नेम के ऊपर, और जिस चीज पे क्वेश्चन आ रहा है उसको तो फोकस में रखो कि हाँ भाई इस पे क्वेश्चन आ रहा है, ये पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, हाँ जी, इसमें से कौन सा इसमें से एसिड है जिसमें अगर एक मोलर सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो एच प्लस आयन सबसे ज्यादा होंगे, मतलब ये मोस्ट एसिडिक इसमें से कौन सा लग रहा है आपको, सिंपल क्वेश्चन यही है, क्योंकि आपसे सबसे ज्यादा एच प्लस आयन की बात कर रहा तो मोस्ट एसिडिक होगा तभी तो सबसे ज्यादा एच प्लस आयन है, ठीक है। बताइए किसमें सबसे ज्यादा एच प्लस आयन होंगे, जल्दी से बताइए किसमें सबसे ज्यादा एच प्लस आयन होंगे, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक, किसमें सबसे ज्यादा एच प्लस आयन होंगे, है इंपॉर्टेंट कि नहीं, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है बेटा। एच प्लस आयन किसमें होंगे, HCl इज मोस्ट एसिडिक, इन सभी में से HCl सबसे ज्यादा एसिडिक है, शेयर करना बेटा सेशन को सारे के सारे, ठीक है, मैक्सिमम शेयर होना चाहिए आपकी तरफ से। चलो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है, इसका आंसर ये है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, करंट अफेयर आपका सुबह 9 बजे हो रहा है, स्किप करूंगा कुछ क्वेश्चन जो आपके काम के नहीं रह गए, ठीक है, बताइए, क्योंकि मैंने तो 1000 क्वेश्चन की सीरीज करानी है, काम के जितने भी क्वेश्चन है सारे इधर कराऊंगा दोपहर को 1 बजे, 3 दिन लगातार, आज कल और परसों दोपहर को 1 बजे सारे नए क्वेश्चन। व्हाट आर द बेसिक यूनिट फ्रॉम विच द ह्यूमन स्पेयर पार्ट, हमारे जो शरीर के जो भाग हैं, जो अंग हैं, वो किस भाग किससे बनते हैं, कौन सी कोशिका से बनते हैं, कमेंट करेगा, ठीक है, कमेंट करेगा आंसर क्या है, ठीक है, जल्दी से बताइए कौन सी कोशिका से बनते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है बेटा, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि किससे बनते हैं, स्टेम सेल से बनते हैं, स्टेम सेल से बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, बताइए इन द आई डोनेशन, देखो हमारी आंखें जब हम दान करते हैं ना, उसमें आंखों में पूरी आंख थोड़ी निकाल के दे देंगे, लो जी भाई पूरी सेट कर लो, ठीक है, ऐसा थोड़ी होता है, कुछ भाग होता है जो सिर्फ उसी भाग को डोनेट किया जा सकता है, उसी भाग का हम दान कर सकते हैं और किसी का दान नहीं कर सकते, ठीक है। आंसर क्या है बेटा, किसका दान किया जा सकता है, कॉर्निया का दान किया जा सकता है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, कॉर्निया कैन बी ट्रांसप्लांटेड, ठीक, ट्रांसप्लांट किसको कर सकते हैं, कॉर्निया को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। थ्योरी ऑफ एब्लेशन किसके द्वारा, स्पीड में करो, क्वेश्चन करने हैं बहुत, अगर हम 1000 क्वेश्चन 3 दिन में अगर रिवाइज कर सकते हैं इस 1 बजे वाली क्लास में और 5 बजे वाली क्लास में, तो यार बहुत फायदे की बात है, ठीक है, 5 बजे भी एक क्लास होगी अपन लोगों की आज, ठीक है। आंसर किसका, चार्ल्स डार्विन इसका आंसर है, कि भाई जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दी गई, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसके द्वारा दी गई, चार्ल्स डार्विन के द्वारा दी गई, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है, चार्ल्स डार्विन के द्वारा थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिया गया, ठीक है। देखो यार हमारे पार्लियामेंट में, हमारा जो संसद है उसमें जो भी बातें होती है, ठीक है, जो भी किसी भी तरीके का डिस्कशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, उसको किस भाषा में ट्रांजेक्ट किया जाता है, हिंदी में, इंग्लिश में, या दोनों में, या किसी भी रीजनल लैंग्वेज में हो सकता है, बताइए आंसर क्या होगा आपके हिसाब से, ठीक है। आंसर क्या है बेटा, याद रखना, दो भाषाएं मानी जाती है, ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाती है हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाती है, इसके अलावा किसी और भाषा को अलाउ नहीं किया जाता, ठीक है, याद रखिएगा। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे के सारे जो मैं आपको करा रहा हूं, ये इतना ही लेवल का क्वेश्चन आएगा, बहुत ज्यादा ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, बहुत कम भी नहीं लेना, ठीक है, उतना लेना है जितने से पेपर हमारा क्लियर हो जाए, ठीक है। कौन सा इसमें से पार्टिकल बेस्ट है, बताइए बताइए आंसर क्या होगा, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा है, वुल, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल तो ऑब्वियसली है, इसमें सब साफ साफ दिखाई दे रहा है, प्लास्टिक नहीं हो सकता, ठीक है, नायलन भी नहीं हो सकता, सिंथेटिक टाइप है ना ये, और पॉलिथीन तो डेफिनेटली नहीं हो सकता, ठीक है, बच गया क्या, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, ठीक है, बच गया क्या, वुल इसका आंसर है, ठीक है, नेचुरल प्रोडक्ट्स में से एक आ गया ना, बायोडिग्रेडेबल समथिंग दैट इज नेचुरल, ठीक है, जो नेचुरल है, बस वही चीज पकड़नी है हमने। वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट कौन सा इंस्टीट्यूशन देता है, जल्दी से बताएं, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट कौन सा इंस्टीट्यूशन देता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताएं, ठीक है, आंसर क्या है बेटा, याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, एरेना देता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं कि भाई ये आपका जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ये कौन सी रिपोर्ट देता है, वर्ल्ड बैंक कौन सी रिपोर्ट देता है, इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन कौन सी रिपोर्ट देता है, ठीक है, रीजनल वाले जितने भी सारे रिपोर्ट्स हमें पढ़ने पड़ेंगे ए टू जेड, जैसे ये एक एग्जांपल हो गया उसका, बस मैंने एक एग्जांपल दिया, क्वेश्चन तो मैं बहुत कराऊंगा, 1 बजे कल भी क्लास होगी, एग्जैक्ट टाइमिंग पे 1000 क्वेश्चन 3 दिन में खत्म कर देंगे, ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर,
टेक्टोना ग्रैंडिस लिन जो है ये किसका साइंटिफिक नेम है, जल्दी से बताएगा। हे टेक्टोना ग्रैंडिस लिन जो है ये किसका साइंटिफिक नेम है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छे क्वेश्चन में से साइंटिफिक नेम का क्वेश्चन हमेशा अच्छा समझो कि भाई ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। टीक जो होता है उसका साइंटिफिक नेम है बेटा, टीक का साइंटिफिक नेम है ये, ठीक है याद रखिएगा टीक का साइंटिफिक नेम है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। एक और क्वेश्चन देखिए बेटा, पूछा जा रहा है कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने पार्टनरशिप करी है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के साथ, ठीक है ये जो स्कीम लगाई है ना, ठीक है इंश्योरेंस स्कीम लगाई है प्रधानमंत्री जी ने, हर एक नागरिक को जो जम्मू कश्मीर में जो भी व्यक्ति रहता है उसको इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइड कराई है, ठीक है अच्छा मुझे मुहिम लगा ये एक तरीके से, ठीक है। अब सवाल ये पूछा जा रहा है इसके लिए कौन सी इंश्योरेंस कंपनी सरकार के साथ जुड़ी है, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी, सवाल ये है इंश्योरेंस कंपनी कौन सी, और अच्छा क्वेश्चन है बेटा आने के चांसेस है, स्टेट यूनियन टेरिटरी बनाएंगे इसमें हद से ज्यादा बदलाव हुए हैं, इन बदलाव के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। बजाज आलियंस जनरल इंश्योरेंस जो है इसके साथ जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ा है, कहने का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जुड़ा है, ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अब भाई ये देखो, अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है ना, बहुत से बच्चे ने इसे ऐसे छोड़ के आ जाएंगे, ठीक है इसे ऐसे छोड़ के आ जाएंगे कि भाई ये कितना खतरनाक है, लेकिन मैं एक बात बताऊं इससे आसान क्वेश्चन नहीं है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं है, जो इतना बड़ा दिख रहा है ना इससे आसान क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब इसका आंसर क्या हो सकता है बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि इंटरवीन किया है इंडियन वेस्टर्न का जो मृत्यु हुआ है ना, ग्रेट इंडियन वेस्टर्न, अब ये जानवर है, ठीक है तो भाई जानवर है तो क्या होगा, ठीक कौन इन्वॉल्व होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, ट्रिब्यूनल तो इन्वॉल्व हो नहीं सकता, ये तो नेचुरल पॉपुलेशन और क्या बोलते हैं एनवायरमेंट से संबंधित चीजों में होता है, ह्यूमन राइट है नहीं, इंसान तो है नहीं, ठीक बर्ड्स है नहीं, बच गया क्या सुप्रीम कोर्ट, बेसिक फंडा लगाना इसमें, बेसिक फंडा लगाओगे तो बड़े क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाओगे, और जो बहुत ज्यादा दिमाग लगाओ तो छोटे क्वेश्चन गलत होते हैं बेटा, फैक्ट होते हैं छोटे क्वेश्चन, ठीक है आते हैं तो आते हैं, नहीं आते तो नहीं आते, ठीक है। हाँ भाई बताइए, कौन सा वेसल है जो ब्लड को लंग्स तक कैरी करता है, ठीक है बताइए कौन सा वेसल है जो ब्लड को लंग्स तक कैरी करता है, बताइए क्या होगा, प्लूमनर, यह पता आपको प्लूमनरी क्या होता है, फेफड़े होते हैं, लंग क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं, ठीक है तो भाई ये तो गया, ठीक है ये तो गया है ना, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, प्लूमनरी आर्टरीज का आंसर है, प्लूमनरी आर्टरीज का आंसर है, महत्वपूर्ण सवाल है बेटा, पूछा जा सकता है, शेयर करना सेशन को, ठीक है आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, प्लूमनरी आर्टरी, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, सोल्व करो अभी, ये टाइम आपका है क्वेश्चन सोल्व करने का, सीख तो आप इतनी देर से रहे हो, एग्जाम अब आ रहे हैं तो आप क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करो, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज व्हाइल शेविंग, जल्दी से बताएंगे इस समय भाई, बताइए शेविंग के लिए एक साइज बड़ा होना चाहिए ना, शेविंग में क्या करते हैं साइज बड़ा देखने की कोशिश करते हैं, बड़ा साइज कैसे पता चलेगा, किस मिरर का होता है, कन्वेक्स मिरर का होता है छोटा साइज, प्लेन का होता है बराबर, ठीक है नो स्पेसिफिक मिरर आंसर नहीं है, कनकेव मिरर ऑप्शन में बसता है, ठीक कनकेव मिरर ऑप्शन में बसता है, आंसर इसका क्या है, कनकेव मिरर इसका आंसर है, ठीक है बताइए। हाँ जी, विच मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर रॉकेट टू ओवरकम द अर्थ ग्रेविटी, हाँ जी अब ये अर्थ ग्रेविटी की बात कर रहा है, सिंपल कह रहा है जो क्या बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी कितनी है, सिंपल क्या कह रहा है, एस्केप वेलोसिटी के ऊपर बात आ रही है कि नहीं, क्योंकि अर्थ ग्रेविटी को तोड़ना ही एस्केप वेलोसिटी होता है, कि कितना हम स्पीड से भेजें कि वो जमीन को छोड़ के ऊपर की तरफ चला जाए वापस ना आए, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। अब एस्केप वेलोसिटी कितनी है, ठीक है 11.2 है, बेसिक क्वेश्चन हुआ फिर ये इस हिसाब से, तो स्टेटमेंट बड़ी होने का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन मुश्किल है, अगर हमें थोड़ा सा कंसेप्ट पता है ना वो क्वेश्चन सबसे आसान है, ये आसान है, ये सीधा एस्केप वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है बस घुमा फिरा के जो भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको घुमा फिरा के आसान है। एंजाइम क्या होते हैं, जल्दी से बताइए, व्हाट आर एंजाइम, एंजाइम क्या होते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। ठीक है एंजाइम क्या होते हैं, याद रखना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, एंजाइम होता है प्रोटीन, ठीक है एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है आईआईटी ने, ठीक है हु हैज पार्टनरशिप विद आईआईटी टू डेवलप द डिजाइन इनोवेशन लैब फॉर रूरल एंटरप्रेन्योर, ठीक है आईआईटी के साथ कौन पार्टनरशिप किया है रूरल एक तरीके से इनोवेशन लाने के लिए,
ठीक है, आईआईटी के साथ कौन पार्टनरशिप किया है, ये फैक्ट है या हमें पता होना चाहिए। करंट अफेयर है भाई, करंट अफेयर जितना पढ़ोगे उतना करंट अफेयर में फायदा होगा आपको, ठीक है, जितना पढ़ लोगे उतना करंट अफेयर में फायदा होगा आपको, और ये करंट अफेयर ही करना है पूरा, बराबर कर लो करंट अफेयर पूरा। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का बेटा, याद रखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कॉमन सर्विस सेंटर्स का आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, नंबर ऑफ पर्सन हु रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो साल में ज्यादातर समय तक बेरोजगार रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, है ना। एक कॉमन सी डेफिनेशन पूछ रहा है कि साल में ज्यादातर समय तक बेरोजगार रहने वाले व्यक्ति को सामान्य रूप से बेरोजगार ही तो कहेंगे, यूजुअली स्टेटस ऑन अनएम्प्लॉयमेंट ही तो उनके आगे लगाया जाता है, ठीक है। तो बस ये बेसिक क्वेश्चन था जो आपसे पूछ लिया गया, पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन इसका आंसर सेंट्रल, ये कॉमन, ये क्वेश्चन इतना फालतू क्वेश्चन है। हाँ जी, फीमेल सेक्स ऑर्गन इन द फ्लावर इज, मतलब बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन फ्लावर में कौन सा होता है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ना। अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, पिस्टल है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, एसी स्टैमन मेल सी एलिमेंट, ठीक है, लाइक डॉल्फिन एंड वेल्स, इनके पास गिल्स नहीं होते, ठीक है, जितने भी बहुत सारे सी एलिमेंट ऐसे हैं जिनके, जैसे डॉल्फिन वेल्स, जिनके पास गिल्स नहीं होते, तो भाई वो सांस किससे लेते हैं, बताइए सांस किससे लेते होंगे, आंसर क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताएं बेटा। ये चीज याद रखना, फ्राइडे सैटरडे और संडे तीन दिन लगातार 1 बजे एक क्लास होगी, 3 दिन, ज्यादा नहीं, 3 दिन में हम क्वेश्चन उठा लेंगे, ठीक है, और इसके साथ आपको 5 बजे आना पड़ेगा, 5 PM, ठीक है, क्योंकि मैंने दोनों जगह नई सीरीज स्टार्ट करानी है, क्वेश्चन उठाने, मैंने दोनों जगह 1 बजे और 5 बजे, अभी 5 बजे भी क्लास कराऊ, नोस्ट्रिल से ये ब्रीथ कर सकते हैं। हाँ जी भाई, अर्थ के अराउंड जो एयर होती है, लेयर जो है, उसे हम क्या कहते हैं, जल्दी सर, अर्थ है जैसे अगर ये, ठीक है, इस अर्थ के अराउंड जो लेयर है, इस लेयर को हम क्या कहेंगे, बड़ा बेसिक क्वेश्चन हो गया कि अर्थ के अराउंड की ये जो लेयर है इसे हम क्या कहेंगे, जल्दी से बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन की भाई हमारे इसके आगे तो एटमोस्फेयर है, वायुमंडली तो है, हमारे आगे क्या वायुमंडली तो है, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन सोल्व करो। एक और क्वेश्चन दे, रोडेंटिया साइरस जो है ये साइंटिफिक नेम है किसका, जल्दी से बताएगा, रोडेंटिया साइरस जो है ये किसका साइंटिफिक नेम है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, याद रखिए ये किसका साइंटिफिक नेम है, स्क्वायरल का है, ठीक है बेटा, स्क्वायरल का साइंटिफिक नेम है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है, स्क्वायरल का साइंटिफिक नेम है। एक और क्वेश्चन देखिए, एक्वेटिक हैबिटेट क्या होता है, देखो एक्वेटिक हैबिटेट एक सिर्फ डेफिनेशन पूछ रहा है कि एक्वेटिक हैबिटेट क्या होता है, पता ही आंसर क्या होगा, ठीक है, एक्वेटिक हैबिटेट क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा, याद रखिएगा, हैबिटेट ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट लिव इन वाटर, जल्दी सही, ठीक है, एक्वेटिक ऑब्वियसली यार, जो प्लांट जो कि और जानवर जो कि पानी में रहते हैं, कोई चीज हमें स्टेटमेंट से मुश्किल लग रही है वो होती नहीं है स्टेटमेंट से मुश्किल, ये कुछ भी नहीं था, ये कह रहा पानी में रहने वाले जानवर और पौधों की बात हो रही है, ठीक है, सिंपल सा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ये नहीं करना है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, कैनिस वेलप्स जो है ये किसका साइंटिफिक नेम है, नाम से देखो, ये नाम इधर मिल रहा है इसके हिसाब से आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, ठीक, कल ये क्वेश्चन ना रात को शाम को 5 बजे वाली क्लास में गलत हो गया था, बहुत सा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, शाम को 5 बजे मैं क्लास कराता हूँ आपको वाईफाई स्टडी चैनल पर ही, इसी चैनल पर ही 5 बजे क्लास होती है लूसेंट की, ठीक है, उसमें थोड़ा सा ये पंगा कर गया था क्वेश्चन, कैनिस ही लिखा हुआ था आगे, ठीक है, वो डॉग का एग्जांपल था, और आज जो क्वेश्चन आ रहा है ना, ये जो क्वेश्चन अभी आ रहा है ये फोक्स का उदाहरण है, कैनिस कनिंग तेज चलाक, ठीक है, नाम से आप दिमाग में आएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, आरबीसी की एवरेज लाइफ कितने होती है, औसत जीवन जो होता है वो कितना होता है, रेड ब्लड सेल का औसत जीवन कितना होता है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, रेड ब्लड सेल का औसत जीवन कितना होता है, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है लेकिन फिर भी बच्चे गलत कर देते हैं, कल मैंने ये क्वेश्चन 5 बजे पूछा था लेकिन ऑप्शन अलग थे, टाइप ऑफ क्वेश्चन मैटर करता है बेटा, क्वेश्चन आरबीसी कितनी बारी पढ़ा हुआ आपने, 100 बारी आरबीसी पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन आरबीसी के क्वेश्चन के टाइप पता होना चाहिए, इधर 100 से 120 लिखा हुआ है, ठीक है, आंसर इसका यही है। एक और क्वेश्चन देखिएगा,
कभी समय मिले इंडियन पॉलिटी यूट्यूब पे जरूर सर्च करना अगर आप पढ़ रहे हो मुझसे ढंग से, ठीक है। 5 बजे की क्लास में जब आओगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। विजयमंगा गिवन इज यूज फॉर रैपिंग द फ्रैक्चर बोन, आसान क्वेश्चन। अगर हड्डी टूट गई है, ठीक है, अगर हड्डी टूट गई है तो बेटा इस हड्डी टूटी हुई को, ठीक है, हमें, ठीक है, ठीक करने के लिए क्या करना पड़ता है, जल्दी से बताएगा। इसे ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है बेटा याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका आंसर, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका आंसर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, ऑब्वियसली यार पीओपी यूज करते हैं, नोबल गैस यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कौन सी नोबल गैस है जो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है कि नहीं, क्वेश्चन फैक्चुअल जरूर है, क्वेश्चन काम के, ठीक है, क्वेश्चन फैक्चुअल जरूर है लेकिन क्वेश्चन काम के है बेटा, ठीक है, पूछे जा सकते हैं, जो जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं ना वो काम के क्वेश्चन होते हैं। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है, रेडून इसका आंसर है, ठीक है, रेडून इसका आंसर है, पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन आंसर भाई, जो सिल्क है, रेशम जो है वो किससे मिलता है, हमें रेशम किससे मिलता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए, रेशम हमें किससे मिलता है, ठीक है, आंसर क्या होगा यार, मैक्सिमम शेयर करो अपनी क्लास समझ के, बढ़िया तरीके से एकदम शेयर कर दो यार, सारे के सारे, है ना, सारे के सारे। सिल्क वॉर्म जो है ना, लार और सिल्क वॉर्म उससे मिलता है, ये जो रेशम के कीड़े होते हैं ना उनकी जो लार होती है, लार्वा जो होता है जो, ठीक है, लार्वा जो होता है उससे मिलता है हमें। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। भारत में जो मूर्तियां हैं उनकी पूजा करना किस काल में, जो छवि होती, जैसे हम आज के समय में मंदिरों में जो पूजा करते हैं ना मूर्तियों की करते हैं, ठीक है, तो ये शुरुआत कौन से काल में, बड़ा प्यारा लवली क्वेश्चन लगा मुझे कि भाई कौन से काल में इस चीज की शुरुआत हो। याद रखना कल भी 1 बजे फिक्स टाइमिंग पे आ जाना, ये क्लास होगी, 2 क्लासेस जरूर देखो मेरी वाईफाई स्टडी पे, एक ये 1 बजे क्लास और दूसरी शाम को 5 बजे क्लास लूसेंट सीरीज, ठीक है, 5 बजे लूसेंट सीरीज भी हो रही है, ठीक है, आंसर है कुशाना इसका आंसर है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, मैं थंबनेल दिखा दूंगा 5 बजे क्लास का। लेबोरेटरी में सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया गया था साइंटिस्ट के द्वारा, कौन से साइंटिस्ट के द्वारा जो है, ठीक है, अभी ये नहीं पूछ रहा कौन सा कंपाउंड, कंपाउंड पूछता तो बच्चे आंसर लगा देते यूरिया बेटा, ठीक है, कि भाई कौन सा कंपाउंड पहली बार लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया गया था, यूरिया आंसर लगा देते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, यूरिया आंसर लगा देते कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अभी ये बोल रहा है कि भाई जो कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने सिंथेसाइज किया था, कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने सिंथेसाइज किया था, तो याद रखना आंसर है वोलर, ठीक है, वोलर जो है इन साइंटिस्ट ने, ठीक है, सिंथेसाइज किया था। एक और क्वेश्चन देखिएगा, एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किसकी स्टडी है एंटोमोलॉजी, कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, आंसर है इंसेक्ट, ठीक है, इंसेक्ट आंसर है, पूछा जा सकता है, ठीक है, इंसेक्ट आंसर है, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो विच टेम्पल वाज रैंसेक्ड बाय मोहम्मद महमूद गजनी के द्वारा, कौन सा टेम्पल है जिसकी तोड़फोड़ की गई थी, दुनिया जानती है, इतिहास गवाह है कि भाई मोहम्मद गजनी ने, ठीक है, एक टेम्पल को बहुत बार लूटा था या तोड़ा था, ठीक है, बताइए कौन सा टेम्पल है ना, आसान क्वेश्चन है कि नहीं, है आसान क्वेश्चन, ठीक है आसान क्वेश्चन, आंसर क्या बेटा इस क्वेश्चन का, सोमनाथ टेम्पल इसका आंसर है, ठीक है, सोमनाथ टेम्पल इसका आंसर है, पूछा जा सकता है, ठीक है। बताइए कौन सा यूनियन मिनिस्ट्री है, ठीक है, जिसने 4 पॉइंट स्ट्रेटजी शुरू की है, ठीक है, और मतलब ये मिनिस्ट्री स्टार्ट कर रही है क्या करने के लिए, कि स्विस कनाल में जो ब्लॉकेज हुआ है उसको हैंडल किया जा सके, क्योंकि उससे हमारा व्यापार का नुकसान हो रहा है, हमारे व्यापार का नुकसान हो रहा है उससे, तो स्विस कनाल जो ब्लॉकेज हुआ है उसको हैंडल करने के लिए कौन सी मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व हो रही है। अब भाई व्यापार है, व्यापार है तो कौन इन्वॉल्व होगा, मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, व्यापार है तो कौन इन्वॉल्व होगा भाई, कॉमर्स मिनिस्ट्री तो इन्वॉल्व होगी, ठीक है, और कोई तो नहीं इन्वॉल्व होगा ना, कॉमर्स मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होगी, बेसिक है, फंडे है, बस फंडे समझ आने चाहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, हां जी, एज पर द इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल, भाई इंश्योरेंस सेक्टर का नया एफडीआई वैल्यू कितना है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना है इंश्योरेंस सेक्टर का, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, आंसर क्या है याद रखना है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 72%, ठीक है, 72%, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है,
एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। एट विच प्लेस ऑफ द साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ओपन द टॉय बैंक। भाई भारत में साउथ दिल्ली कॉर्पोरेशन जो दिल्ली वाला है वहां पे टॉय बैंक कहां पे खुला है, ये बड़ा फेमस है, ठीक है। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं, वीरेंद्र सहवाग। अब बाकी आप बता दो आंसर, मैं आपको हिंट दे रहा हूं इसमें, वीरेंद्र सहवाग, उसके बाद आप बाकी आंसर बता दो क्या होगा, ठीक है। अब वीरेंद्र सहवाग सुन के आंसर नहीं बता पा रहे ना, फिर दिक्कत है भैया, फिर है दिक्कत, फिर है प्रॉब्लम, क्या कहते हैं उसे, ठीक है, प्रॉब्लम है। सत्य ये भी है कि अगर आपको वीरेंद्र सहवाग का नहीं पता तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता, ठीक है। आंसर क्या है बेटा, नजफगढ़ इसका आंसर, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, ठीक है, नजफगढ़ इसका आंसर है। व्हाट परसेंटेज ऑफ फार्मलैंड इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, बताइए कितने प्रतिशत फार्मलैंड है इंडिया में जो रेनफॉल पे डिपेंड करता है। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, कितने प्रतिशत फार्मलैंड, ऐसे तो हमारा पूरा भारत ही रेनफॉल पे डिपेंड करता है, बारिश नहीं तो कुछ नहीं, जल की जरूरत पड़ती है ना, क्योंकि जल ही जीवन है, ठीक है। आंसर क्या है बेटा इस क्वेश्चन का, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 78% इसका आंसर है, ठीक है 78% इसका आंसर है, क्योंकि मतलब मैं तो 78% तो ये आंकड़ा है, इट्स 90% अगर हम ग्राउंड लेवल पे देखें, 90% ऑफ लैंड, फार्मिंग लैंड इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल इटसेल्फ, ठीक है, ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं तरीके से। इंटरप्लेनेटरी यूनियन लोकेटेड है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे, जल्दी से बताइए, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, कमेंट करिएगा। इंटरप्लेनेटरी जो पार्लियामेंट्री यूनियन है ये कहां पे लोकेटेड, इसका हेडक्वार्टर कहां पे, ठीक, मैक्सिमम शेयर कर रहे हैं सारे के सारे आंसर के, इस क्वेश्चन का पार्लियामेंट्री यूनियन कहां पे, जिनेवा, ठीक है, जिनेवा में, ठीक है, इसमें भारत का बहुत योगदान रहता है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन में, ठीक है, जिनेवा इसका आंसर है, महत्वपूर्ण सवाल है, हेडक्वार्टर में सारे पूछ लूंगा, याद रखना। अगर आप इस क्लास में आ रहे हो ना, फायदा तब है आप इस क्लास में लगातार तीन दिन तक 1 बजे आओ, तब जाके 1000 क्वेश्चन पूरे होंगे। दूसरा 5 बजे कुछ कंटेंट है जो टॉपिक टू टॉपिक चल रहा है, उसे कवर कर लेना 5 बजे वाईफाई स्टडी चैनल पर, इसी चैनल पर। आंसर क्या इस क्वेश्चन, कौन सी कंट्री जो है जिसके साथ इंडियन एयरफोर्स ने अनाउंस किया फर्स्ट मेजर वॉर गेम इन्वॉल्विंग रफाल फाइटर। देखो भाई एक्सरसाइज का नाम है स्काईरोस, अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन, पहली बार सुनी होगी आपने एक्सरसाइज स्काईरोस, और ये फेमस है, इस समय की लेटेस्ट एक्सरसाइज है, तो पूछी जा सकते हैं, करंट अफेयर की एक्सरसाइज समझ लो एक तरीके से, जिसमें रफाल फाइटर पहली बार इन्वॉल्व किया गया, पहली बार इन्वॉल्व भी किया गया, अब ये किस देश के साथ किया है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, कॉमन सेंस की बात है यहाँ पे भाई, ठीक है, जब रफाल है तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली यार रफाल है तो फ्रांस है ना, हम ज्यादा अगर मैं थोड़े से इंटेलिजेंस हो ना मेरे अंदर तो मैं रफाल देख के फ्रांस लगाऊ, 99% करेक्ट होना चाहिए आंसर अगर पता भी ना हो, ठीक है। आंसर क्या इस क्वेश्चन का, कैबिनेट अप्रूव्ड अ मेमोरेंडम साइंड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री ऑन यूथ स्पोर्ट्स अफेयर, गलत मतलब भारत देश ने बताओ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर कॉर्पोरेशन किसके साथ किया है, मुझे मुझे लगता नहीं कि इतना फायदा होगा ऐसे देशों के साथ करने के साथ, ठीक है, हमें किसी ऐसे देश के साथ करना चाहिए जिससे हम कुछ सीख सकें। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर है मालदीव्स इसका आंसर है, ठीक है, मालदीव्स इसका आंसर है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कोई कहेगा सर प्राइम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के, तो भैया थे, ठीक है, आई एम फ्रॉम जम्मू कश्मीर, मैं जम्मू कश्मीर से ही हूँ, ये क्वेश्चन बड़ा करेक्ट है, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, ठीक है, ये करेक्ट बिल्कुल स्टेटमेंट है। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, शेख मोहम्मद, ठीक है, अब्दुल्ला, ठीक है, जिन्होंने मैं कह सकता हूं कि जो अपना जम्मू कश्मीर उसको बचाने की कोशिश करी थी उस समय में, ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम एड इन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, कौन सा एंजाइम जो है बेटा जो ब्लड कोएगुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है, बताइए कौन सा इसमें से एंजाइम है जो ब्लड कोएगुलेशन में हेल्प करता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है बेटा, कौन सा हेल्प करता है, आंसर है पेप्सिन, पेप्सिन हेल्प करता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है, अपन लोग सारे क्वेश्चन कर लें जितने, ठीक है, ये नहीं कर रहे, नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, फालतू क्वेश्चन है, ठीक है, यूनियन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, जो काम के क्वेश्चन है यार उनमें मैं आपको खुद कह रहा हूं कि हाँ यार ये सवाल कर लो, ठीक है, 100% सवाल है, ठीक है, जो आ सकते हैं। हाँ जी, कौन सी मिनिस्ट्री ने सेलिब्रेट किया है पोषण पखवाड़ा 2021,
कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ये सेलिब्रेट किया गया पोषण पखवाड़ा 2021 का, और इसी में इसी साल का है तो भाई पूछा जा सकता है। लेटेस्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन लेटेस्ट है भाई, ठीक है हर एक क्वेश्चन। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसका आंसर एक और क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, हु इज सेट टू हैव हेड द गवर्नमेंट कमिटी ऑन मैन्युफैक्चरिंग द हाई टेक्नोलॉजी एरिया। बेटा भारत में ना सरकार बहुत मेहनत इस चीज को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर तो बहुत मेहनत चल रही है। अब इसके लिए कमेटी बिठाई गई टेक्नोलॉजी एरिया में अपडेट लाने के लिए, और ये जो कमेटी बिठाई गई इसके हेड कौन रहे, इसके हेड कौन रहे जल्दी से बताइएगा, इसके हेड कौन रहे जल्दी से बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है अच्छा क्वेश्चन है, काम का क्वेश्चन, ठीक है आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, पीयूष गोयल इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मपुत्रा ठीक है आमंत्रण अभियान कौन सी दो स्टेट ने स्टार्ट किया, जल्दी से बताइएगा, ब्रह्मपुत्रा आमंत्रण अभियान कौन सी दो स्टेट ने स्टार्ट किया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ठीक कमेंट करिएगा। ब्रह्मपुत्रा आमंत्रण अभियान कौन सी दो स्टेट ने स्टार्ट किया, आंसर क्या, अरुणाचल प्रदेश और असम ने, ठीक है अरुणाचल प्रदेश और असम ने स्टार्ट किया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, काम का क्वेश्चन, ठीक है आंसर क्या इस क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग वीड इज इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग द वॉटर पॉल्यूशन। हां जी देखो पानी का प्रदूषण तो बढ़ता ही जा रहा है, इस प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के लिए, इस प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के लिए इसमें से कौन सा वीड जो है इफेक्टिव है, अच्छा क्वेश्चन है पूछा जा सकता है, पानी के प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के लिए कौन सा वीड जो है इफेक्टिव, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ठीक है। आंसर क्या है बेटा, वॉटर हैकिन कहते हैं इसे, ठीक है दिमाग पर रखिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, ये नहीं कर रहे, हां जी Which committee has been conferred with Plantium Award for Excellence in Digital Governance? पता है कौन सी कमेटी को Plantium Award मिला है, क्योंकि इन्होंने डिजिटल गवर्नेंस में बहुत उम्दा परफॉर्मेंस करी है, क्वेश्चन बहुत प्यारा है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि कौन सी कमेटी ने बहुत उम्दा प्रदर्शन किया है, ठीक है Plantium Award of for Excellence in Digital ये मिला है इन्हें, SC कमेटी को, किसको SC कमेटी को मिला है। शेयर करना सारे के सारे सेशन को है ना बढ़िया तरीके से, और 5 बजे भी जुड़ना, कल भी 1 बजे क्लास रखेंगे, उठाएंगे क्लास ये। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल आयन हैज द हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी, कौन सा एल्कली मेटल, देखो एक ना एटीट्यूड रखो, पेपर ऐसे सोल्व करोगे ना, विच इज द एल्कली मेटल आयन ऑफ हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी, बेटा पेपर निकल जाएगा पूरा, ठीक है इतने में, ठीक है इधर तक पढ़ो बस, हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी बस, वो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सोल्व होना चाहिए क्वेश्चन उतने में, लिखिए इसका आंसर है ठीक है, समझना चीजों को, ठीक है स्पीड रिक्वायर्ड होती है। मैं SSC गुरु चैनल पर रात को 8 बजे पढ़ाता हूं, आप पढ़ सकते हो वहां। बेटा फर्मेंटेशन किण्वन के दौरान जो है उत्पादक क्या होता है, जल्दी से बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्टिव, ठीक है बाय प्रोडक्ट कौन सा होगा, ठीक है फर्मेंटेशन के टाइम पे बाय प्रोडक्ट कौन सा होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कमेंट करिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, आंसर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई कहेगा सर बाय प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, भाई बाय प्रोडक्ट है इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड है, अदरवाइज और भी प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट होने में और बाय प्रोडक्ट होने में बहुत फर्क है ठीक है। बाय प्रोडक्ट होता है कोई चीज फालतू की एक्स्ट्रा, जिसको हम यूटिलाइज नहीं करते, बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, ये कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से बाय प्रोडक्ट है। डीपीएसपी कौन से भाग में दे रखा है, कौन से पार्ट में डीपीएसपी को दे रखा, आंसर क्या है ठीक है, आंसर क्या बेटा जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डीपीएसपी हमारे संविधान में कौन से भाग में दे रखा है, ठीक है पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है नेक्रोसिस, अब मैंने नेक्रोसिस के बारे में पूरा आपको समझा रखा है, सिम्टम विच इज रिकॉग्नाइज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है नेक्रोसिस में क्या दिक्कत आ जाती है, शरीर में क्या दिक्कत आ जाती है, सेल में क्या दिक्कत आ जाती है, जल्दी से बताएंगे ठीक है। क्या कोई सेल या टिश्यू हमारे जीवित शरीर में मर जाता है, खत्म हो जाता है, ऐसा कुछ है क्या, ठीक है जो भी बच्चा देख रहा है, हाय डियर एवरीवन, डेली 1 बजे इधर 3 दिन क्लास लो, और उसके बाद आप कितने बजे आओ, सीधा 5 बजे तो मैं क्लास ले ही रहा हूं, रेगुलर क्लास मेरी 5 बजे आज भी होगी, 5 बजे मैं क्लास डेली ले रहा हूं। डेथ ऑफ टिश्यू, मैं इसका पूरा बता देता हूं, ये क्या होता है, टिश्यू के अलावा सेल भी खत्म हो जाता है ठीक, किसके अंदर, एक जीवित शरीर के अंदर, उसे हम कहते हैं नेक्रोसिस ठीक है। जब कोई कोशिका या कोई उतक
किसी जीवित शरीर के अंदर खत्म होता है वो प्रॉब्लम जो होती है वो होती है नेक्रोसिस की प्रॉब्लम। एक और क्वेश्चन देखिए, शाहीन वन एक न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है किस देश की? आसान क्वेश्चन, ठीक है सब जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक कॉमन क्वेश्चन लग रहा है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, आंसर क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का, ठीक है बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है बेटा, बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है अच्छा क्वेश्चन, आंसर है इस क्वेश्चन का याद रखिए पाकिस्तान इसका आंसर है, ठीक है पाकिस्तान इसका आंसर है। यूनियन टूरिज्म मिनिस्ट्री, ठीक है भाई किसके साथ इंगेज करी है, मतलब किसके साथ मेमोरेंडम कर लो, ठीक है कौन से इंस्टीट्यूशन के साथ, कोविड 19 टूरिज्म पर क्या इफेक्ट पड़ा है, कोविड 19 का टूरिज्म पर क्या इफेक्ट पड़ा उसके लिए साथ, उसके लिए किसके साथ मेमोरेंडम के, एनसीएआर के साथ, ठीक है टूरिज्म मिनिस्ट्री, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कमेंट करें, हां जी कौन सी स्टेट ने कहा है कि ये ना अपने सर्कुलम में सिख गुरु जो है, जितने भी सिख गुरु है उनके इतिहास के बारे में अपने सर्कुलम में डालेंगे, बताइए कौन सी स्टेट ने कहा है, कहा भी नहीं है इन्होंने डाल भी दिया है, अपने सर्कुलम में डाल भी दिया है, ठीक है इस साल के लेटेस्ट सर्कुलम में सिख गुरुओं का इतिहास इनके सर्कुलम में आएगा, किसने, ऑप्शन में यार डी ऑप्शन दे नहीं रखा, मैं दे देता हूं अब आप समझ भी गए होंगे आंसर क्या है, ठीक है ऑप्शन मैंने दिया है तो समझ ही गए होंगे, स्पेशली लिख दिया तो आंसर क्या है, देख रहे हो विदाउट ऑप्शन आंसर होता है, बच्चे हमारे शाम को 5 बजे वाली क्लास में आते हैं जो उनको ऑप्शन चाहिए नहीं है, ऐसे क्वेश्चन है यूपी इसका आंसर है, वेरी गुड, ठीक है यूपी आंसर है इसका, नीचे कट गया था वही बच्चे बता रहे जो शाम को 5 बजे जुड़ जाते हैं क्लास में, आप भी जुड़ जाओ भाई, जो जो बच्चा 5 बजे जुड़ रहा है वो बहुत फायदा कर रहा है इस समय अपना जीके में, ठीक है। कौन सा बैंक है विच आर कोलैबोरेटिंग विद सेल्सफोर्स टू बिल्ड द नेक्स्ट जनरेशन टेक प्लेटफॉर्म फॉर रिटेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग के लिए एक उम्दा टेक्नोलॉजी को यूज करके, ठीक है अपडेट लाया गया है किस बैंक के द्वारा, ठीक किस बैंक के द्वारा ये काम किया जा रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताएंगे, ठीक है याद रखना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, यस बैंक के द्वारा, किसके द्वारा, यस बैंक के द्वारा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पूछा सकता है। विच स्टेट हैज अनवील इट्स सोलर पावर पॉलिसी 2021, ठीक कौन सी स्टेट ने अपनी सोलर पावर पॉलिसी लॉन्च करी है 2021, गुजरात ने लॉन्च करी है, ठीक है याद रखिए गुजरात के द्वारा लॉन्च की है, अच्छा क्वेश्चन है पूछा सकता है। एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक एज पर द एनुअल रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कौन सा यूनियन मिनिस्ट्री है हाईएस्ट रिजेक्शन किया है रिक्वेस्ट का, ठीक है तो यार सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है, ठीक है वो होम मिनिस्टर का सबसे ज्यादा रिजेक्शन किया है, होम मिनिस्ट्री का, ठीक है याद रखिए अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ज्यादातर रिजेक्शन जो किया है रिक्वेस्ट का वो होम मिनिस्ट्री किया है इस समय, ठीक है बताइए इस क्वेश्चन का, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन हो गया ये क्वेश्चन, मुश्किल है भाई ये क्वेश्चन, मुश्किल है बहुत ही ज्यादा मुश्किल है ये क्वेश्चन, ठीक है बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए कमेंट करिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए जल्दी से बताइएगा। Which bank has partnership with Rupee to launch payment solution in association with Pay Nearby? ठीक कौन से बैंक ने रुपे के साथ जो है पार्टनरशिप करी है टू प्रोवाइड अ सोल्यूशन नेम एज पे नियर बाय, ठीक है बताइए कौन से बैंक ने, ठीक है आंसर क्या है बेटा याद रखना आंसर है इस क्वेश्चन का आरबीएल बैंक, दिल्ली में बहुत फेमस हो गया है आरबीएल बैंक जो है दिल्ली में बहुत फेमस हो गया, वैसे भी इंपॉर्टेंट है ये बैंक, ठीक है याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा सकता है। ठीक जो गाजर होती है उसका कलर ऑरेंज होता है, कारण क्या है जल्दी से, व्हाई द कलर ऑफ कैरेट इज ऑरेंज, ठीक है कैरेट का कलर ऑरेंज कलर का क्यों होता है जल्दी से, व्हाई कैरेट इज ऑरेंज कलर, ठीक है बेसिक सा फंडा पूछ रहा है ये, ठीक है बहुत बेसिक सा फंडा पूछ रहा है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है ऑरेंज कलर किस लिए बेटा याद रखिएगा क्योंकि इसमें कैरेटीन होता है, इसमें क्या होता है कैरेटीन होता है, कैरेटीन होने की वजह से, कुछ क्वेश्चन बचे हैं सोल्व कर लो फिर कल भी दोबारा 1 बजे आ जाना, ठीक है और ये फंडा अगर सेट बैठता है तो हम इधर क्लास लगा ही देंगे रेगुलर, ठीक है और अभी आप कल भी 1 बजे आओ परसों भी 1 बजे आओ और शाम को 5 बजे आना जरूर, ठीक है 5 बजे की क्लास रेगुलर क्लास है मेरी जो कब से चल रही है तो वो काम की क्लास आपके लिए। हाँ जी वाटर पोल्यूशन के ट्रीटमेंट के लिए इसमें से कौन सा सही है, हम क्या करते हैं घरों में जो पानी आता है साफ करने के लिए आरओ लगाते कि नहीं, घरों में जो पानी आता है उसको साफ करने के लिए आरओ लगाते कि नहीं, लगाते हैं ना, कॉमन है कि अब उसमें आरओ लगाते हैं घर में, ठीक है पानी को साफ करने के लिए तो बस आरओ लिखा हो ऑप्शन में, ठीक है रिवर्स ऑस्मोसिस बस आरओ, हमें कॉमन सेंस की बात पता होनी चाहिए बस, ठीक है घर में यूज करते तब भी गलत करो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा।
विद रेफरेंस टू डिफेंस व्हाट इज वज्र, ठीक है, वज्र क्या है, डिफेंस से रिलेटेड अगर पूछा जाए तो वज्र क्या है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, व्हाट इज वज्र, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, सारे के सारे देख लो, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत काम का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत काम का क्वेश्चन है। आंसर क्या इस क्वेश्चन का, ठीक है, आंसर इस क्वेश्चन का ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, ये क्या है, एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, पूछा जा सकता है, इसको क्वेश्चन आ सकता है, विच कंट्री हैज इंडक्टेड इंडियन सबमरीन INS, ठीक है, सिंधु वीर इनटू नेवी, कौन सी कंट्री ने INS सिंधु वीर जो है नेवी में इन्वॉल्व किया है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा, ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का जल्दी से बताइएगा, ठीक है, फाइनल दो क्वेश्चन बचे हैं, ये दो क्वेश्चन सोल्व करो, और जितने भी बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, ये दो क्वेश्चन, अभी और भी क्वेश्चन है शायद, ठीक है, देख लेते हैं, अभी है क्वेश्चन, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, म्यांमार इसका आंसर है, और क्वेश्चन देखो, ठीक है, बैक्टीरियोफेज का डेफिनेशन क्या होता है, बैक्टीरियोफेज का डेफिनेशन क्या होता है जल्दी से बताइएगा, ठीक है, बैक्टीरियोफेज का डेफिनेशन क्या होता है बेटा, याद रखिएगा, वायरस डेट डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है, आर्टिफिशियल डायमंड कौन प्रोड्यूस करता है जल्दी से बताइएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आर्टिफिशियल डायमंड किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है, आंसर क्या बेटा, आर्टिफिशियल डायमंड किसके द्वारा, मोसिन से प्रोड्यूस होते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व उठाओ, विच अमंग द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैस हैज द ग्रेटेस्ट पेनिट्रेटिंग एबिलिटी, ठीक है, मतलब अच्छा पेनिट्रेटिंग मीन ट्रैपिंग एबिलिटी, हीट ट्रैप करता है, थोड़ा ना वर्ड में स्टेट कंबाइन कर रखा है, हीट ट्रैप करता है, अब कहने का मतलब कह रहा है ग्रीन हाउस गैस सबसे खतरनाक वाली कौन सी, इसमें से बताइए आप कौन सी सबसे खतरनाक ग्रीन हाउस गैस है इनमें से, जल्दी से बताइएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कौन सी सबसे खतरनाक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, आंसर क्या बेटा, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, आंसर इसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी गैस, ऑब्वियसली कोई कहेगा सर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मेरे भाई अगर मेरे को बोलो, ठीक है, इतना ज्यादा अगर इतना सा इंपैक्ट करे तो वो खतरनाक है, कि इतना सा इतना ज्यादा इंपैक्ट करे वो खतरनाक है, कौन खतरनाक है, खतरनाक कौन होगा बेटा, खतरनाक तो यही होगा ना, इतना छोटा सा इतना इंपैक्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में फिर भी इतना सा इंपैक्ट करता है, याद रखना इस चीज को, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज द करेक्ट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड आंसर मत लगाना, ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, मार्स गैस कौन सी है, आंसर क्या बेटा याद रखिए, मीथेन इज अ मार्स गैस, ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिएगा, ये नहीं कर रहे छोड़ेंगे, ये भी स्किप, कुछ नहीं है भाई, ठीक है, डीएनए का लिखा हुआ बस, लिखा डीएनए का मैं करा नहीं रहा, क्योंकि करना नहीं है क्वेश्चन, फालतू क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको एसएससी और जीडी में नहीं मिलेगा डायरेक्ट, इतना बड़ा स्टेटमेंट, ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखो, सिटीजनशिप जो है कौन से भाग में डाला हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है बेटा, 5 बजे आ जाना आज, पीडीएफ मिल जाएगी अशोकुटी से, ठीक है, 100% पीडीएफ दे दूंगा, 5 बजे कनेक्ट तो करिएगा, ठीक है, सिटीजनशिप कौन से भाग में, आंसर है भाग दो में, ठीक है, किसमें, भाग दो में सिटीजनशिप, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट जो होता है एयर में, ठीक है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन लगा मुझे, ये करके ही रहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट जो एयर में होता है, दैट बी एक्सहेल, वो कितने परसेंट होता है, ठीक है, जो मैं हम एक्सहेल करते हैं वो कितने परसेंट होता है, ठीक है, ऑन एन एवरेज वो 4% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो जो हम एक्सहेल करते हैं वो 4% होता है, ऐसे ही नेल का क्वेश्चन आएगा, कल कराऊंगा इनहेल वाला क्वेश्चन, ठीक है बेटा, ऊपर मैंने ना एक लिंक लगाया, वो लिंक क्या है, क्वेश्चन बैंक है, 11 PM का, रात को 11 बजे क्वेश्चन बैंक होता है, आप उसे एटलीस्ट नोटिफाई कर लेना, और उधर जाके फ्री क्लासेस में मेरी एक आधी स्पेशल क्लास ओपन करके देख लेना, जिससे कि आप उसको क्लासेस को फिर दोबारा देख सको, ठीक है, अच्छे से देख सको, ठीक है, तो लिंक ओपन करो, नोटिफाई करो, और कोई भी क्लास देखो, ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, ये क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी 42nd Amendment के तहत आया था, बस यही स्टेटमेंट इसमें से सही है, एक और क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है बताइए, बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट जो है क्या करने के लिए किया जाता है, जल्दी से बताइए, बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है, आंसर क्या है बेटा, टेंटिव एज को, एक क्वेश्चन और बचा, ये भी करो,
ये फाइनल क्वेश्चन है, उसके बाद उस लिंक को ओपन कर लेना, नोटिफाई कर लेना, कल भी इधर 1 बजे क्लास करेंगे और शाम को 5 बजे आज भी क्लास होगी, ठीक है, आंसर है फ्री होम। तो ये अपने आज के फाइनल क्वेश्चन थे, पूरी 1000 क्वेश्चन की सीरीज कल भी चलेगी 1 बजे और शाम को 5 बजे कनेक्ट करो, ठीक है, शाम को 5 बजे कनेक्ट करो सारे के सारे इस चैनल पे बढ़िया तरीके से, ठीक है। मैं आपको एक चीज कंफर्म कर दूं, ठीक है, आपकी जो क्लासेस है ना उसमें सबसे बढ़िया क्लास ये है जो मैंने आपको ऊपर चैट बॉक्स पे लगाया है, उसको नोटिफाई कर लो इस रेफर कोड को यूज करके, लाइव अमन शाम को 5 बजे मिलते हैं अभी, ठीक है, ये रेफर कोड यूज करो, नोटिफाई कर लो, शाम को 5 बजे मिलते हैं अभी, ठीक है। और बेटा जो बैचेस है, देखो यार पहला तो मैं ना क्रैश कोर्स करा रहा हूं फुल, उसमें आपको ना मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर आज और कल का मिल रहा है, ठीक है, बहुत लिमिटेड पीरियड है, इसलिए 2 साल का 4 मंथ एक्स्ट्रा, 1 साल का 2 मंथ एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है इसी रेफर कोड, डिस्काउंट के साथ आपको इतने मंथ एक्स्ट्रा मिल रहा है तो डेफिनेटली बेनिफिशियल है। तो इस लाइव ओमन रेफर कोड को यूज करके जो लेटेस्ट क्रैश कोर्स आ रहे हैं, पूरी टीम जो पढ़ा रही है ये लेटेस्ट क्रैश कोर्स आ रहे हैं, ठीक है, तो इनको आप ज्वाइन कर सकते हो। कैसे, रेफर कोड यूज करोगे तो डिस्काउंट आ ही जाएगा, ये तो पता चल ही गया होगा। जुड़ना कैसे, गोल सिलेक्ट करना है, जब आप गोल सिलेक्ट करते हो ना तो आपका इधर आ जाएगा लिखा हुआ गोल, फिर गेट सब्सक्रिप्शन में क्लिक करना, फिर मंथ सिलेक्ट करना, फिर हैव अ रेफर कोड में लगाना, लाइव अमन रेफर कोड, ये तरीका रहेगा कोर्स को लेने का, ठीक है। तो ये काम कर लो, मिलते हैं आपसे शाम को 5 बजे, सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेगा सारे के सारे बच्चे, ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे, ओके।